नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के साथ फोन पर बातचीत की। शांतिपूर्ण, समृद्ध और समावेशी अफगानिस्तान के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत ने अब तक 2 करोड़ से अधिक नमूनों की कोविड जांच करने की उपलब्धि हासिल की। मृत्यु दर घटकर 2.11% हुई। बिहार में बाढ़ग्रस्त 14 जिलों में राहत और बचाव कार्य जोर शोर से जारी। देश में आज रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है और आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता इस वर्ष 19 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात में खेली जाएगी। समाचार संध्या में अपने सहयोगी सिद्धार्थ सिंह के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांतिपूर्ण, समृद्ध और समावेशी अफगानिस्तान के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री मोदी ने आज अफगानिस्तान के राष्ट्रपति डॉ अशरफ गनी के साथ फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को ईद उल अजहा की बधाई दी। श्री गनी ने अफगानिस्तान की आवश्यकताओं के अनुरूप अनाज और दवाइयों की आपूर्ति करने के लिए श्री मोदी को धन्यवाद दिया। दोनों नेताओं ने क्षेत्र की सुरक्षा की स्थिति और आपसी हितों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन 2020 नीति का मसौदा तैयार किया है। इस नीति का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में देश को स्वावलंबी बनाना है। प्रस्तावित नीति की परिकल्पना रक्षा मंत्रालय के लिए एक ऐसे दिशा निर्देश दस्तावेज के रूप में की गई है जिसमें देश की रक्षा उत्पादन क्षमताओं को प्रोत्साहित कर उसे आत्मनिर्भर और निर्यात में सक्षम बनाने पर जोर दिया गया है। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति 2020 के माध्यम से आत्मनिर्भर रक्षा उत्पाद के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का खाका तैयार कर लिया है। इस नीति में वर्ष 2025 तक एरोस्पेस और रक्षा वस्तुओं और सेवाओं के 35,000 करोड़ रुपए के निर्यात सहित 1,75,000 करोड़ रुपए के कुल कारोबार का लक्ष्य रखा गया है। एरोस्पेस सहित एक गतिशील, मजबूत और प्रतिस्पर्धी रक्षा उद्योग का विकास करना और नौसेना के जहाज निर्माण उद्योग को गुणवत्ता वाले उत्पादों के साथ ही सशस्त्र बलों की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी नई मसौदा नीति में स्पष्ट रूपरेखा बनाई गई है। रक्षा मंत्रालय ने आयात पर निर्भरता कम करने और घरेलू डिजाइनों के माध्यम से मेक इन इंडिया की पहल को आगे बढ़ाने पर भी काफी जोर दिया है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनुसंधान और विकास पर अत्यधिक बल देने के साथ ही नवाचार को बढ़ावा तथा भारतीय बौद्धिक संपदा के संसाधन बनाए जाने की पहल पर भी इस रक्षा नीति में बल दिया गया है। आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। रक्षा मंत्रालय ने प्रस्तावित नीति के मसौदे पर सभी हितधारकों से 17 अगस्त तक सुझाव मांगे हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि वाणिज्यिक कोयला खनन में कोई भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधित कानूनों के हाल में किए गए संशोधनों के अनुरूप होना चाहिए। सरकार ने हाल में प्रत्यक्ष विदेशी संबंधी निवेश नीति में बदलाव किए थे, जिनके अनुसार जिन देशों की सीमाएं भारत से जुड़ी हुई हैं या निवेश का फायदा लेने वाला ऐसे किसी देश का नागरिक है तो वह भारत सरकार के माध्यम से ही निवेश कर सकता है। नई नीति में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान का कोई नागरिक या वहां पंजीकृत कोई कंपनी भारत में रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में तभी निवेश कर सकती है जब वो भारत सरकार के माध्यम से ऐसा करे। विदेशी निवेश के लिए वर्जित क्षेत्रों के लिए भी सरकार के माध्यम से निवेश करना आवश्यक है। सरकार ने इससे पहले कोयला खनन से संबंधित गतिविधियों में स्वतः स्वीकृति के जरिए 100% निवेश की अनुमति दी थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newzoneair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newzoneair पर भी उपलब्ध हैं। हेलो राधा, बारिश से बचने के लिए छाता तो मैं ले आई। डेंगू और चिकनगुनिया से बचने का उपाय वो कौन करेगा? ये तो किसी ने बताया ही नहीं। मैं बताती हूँ, पानी से भरी टंकियों और बर्तनों को अच्छी तरह ढककर रखें। हर सप्ताह कूलर को खाली करके सुखाकर दोबारा भरें। घर व आसपास टूटे बर्तन, डिब्बे, टायर इत्यादि में पानी जमा न होने दें। मच्छरों के काटने से बचने के लिए कॉइल, क्रीम, मशीन आदि का प्रयोग करें। डेंगू के मच्छर दिन में काटते हैं, इसलिए पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने। बुखार हो तो डॉक्टर की सलाह लें। समझ गयी? हाँ समझ गयी। और
अब दूसरों को भी बताऊंगी। ये कुछ आसान उपाय अपनाएं, डेंगू चिकनगुनिया को दूर भगाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत में अब तक 2 करोड़ से ज्यादा कोविड के नमूनों की जांच की जा चुकी है, जो एक रिकॉर्ड है। कोविड के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने ये उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। गहन जांच, संक्रमण के संपर्कों का पता लगाने और संक्रमित लोगों को अलग थलग रखकर त्वरित उपचार के उपायों के बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों का राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश कड़ाई से पालन कर रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 3,81,027 नमूनों की कोविड जांच की जा चुकी है। इसके साथ ही प्रति 10 लाख आबादी पर जांच की संख्या 14,640 हो गई है। 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने प्रति 10 लाख आबादी पर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा जांच की है। देश में जांच प्रयोगशालाओं का नेटवर्क भी लगातार मजबूत हो रहा है। इस समय कुल 1,348 प्रयोगशालाओं में नमूनों की जांच की जा रही है, जिनमें से 914 सरकारी और 434 निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाएं हैं। भारतीय औषध महानियंत्रक DCGI ने पुणे के भारतीय सीरम संस्थान को कोविड 19 वैक्सीन कोविशील्ड के मनुष्य पर दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण की अनुमति दे दी है। ये वैक्सीन ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और ऑस्ट्राजेनेका ने विकसित की है। इससे कोविड 19 वैक्सीन के विकास में तेजी आएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि भारत मृत्यु दर में निरंतर सुधार कर रहा है और विश्व में सबसे कम मृत्यु दर वाले देशों में बना हुआ है। देश में मृत्यु दर घटकर आज 2.11% रह गई। कोविड 19 प्रबंधन की रणनीति संक्रमित लोगों का जल्दी पता लगाने और उन्हें अलग करने, त्रुटिहीन रोगी प्रबंधन और उच्च जोखिम वाली जनसंख्या को प्राथमिकता देने से देशभर में स्वस्थ होने की दर बढ़ी है। देश में पिछले 24 घंटों में 40,574 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। इसके साथ ही कोविड से स्वस्थ लोगों की संख्या 11,86,203 हो गई। कोविड 19 मरीजों के स्वस्थ होने की दर 65.77% हो गई है। कोविड से स्वस्थ लोगों और कोविड मरीजों की संख्या के बीच अंतर 6 लाख से भी अधिक हो गया है। इस समय केवल 5,79,000 से अधिक मरीजों का इलाज चल रहा है। सरकार ने आज कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क ईविन ने कोविड 19 महामारी के दौर में लोगों को बीमारी से बचाव के लिए टीकाकरण की आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ईविन टेक्नोलॉजी संबंधी एक नया समाधान है, जिससे देशभर में टीकाकरण की सप्लाई चेन प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद मिली है। इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय लागू कर रहा है। इसका उद्देश्य टीकों के भंडार और उनकी उपलब्धता तथा भंडारण के लिए तापमान संबंधी जरूरतों के बारे में सूचना उपलब्ध कराना है। इस प्रणाली का उपयोग कोविड 19 महामारी के दौर में बच्चों और गर्भवती महिलाओं को विभिन्न बीमारियों से बचाव के टीकों संबंधी सेवाओं की निरंतरता बनाए रखना भी है। मंत्रालय ने कहा है कि ईवी नेटवर्क का विस्तार 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हो चुका है और शेष राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, लद्दाख और सिक्किम में शीघ्र ही इसे लागू किया जाएगा। इस समय देश के 22 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 585 जिलों में 23,507 कोल्ड चेन प्वाइंट हैं, जिनमें टीकों को सही समय पर लोगों तक पहुंचाने के लिए ईविन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादातर स्वास्थ्य केंद्रों में टीकों की उपलब्धता 99% तक बढ़ गई है। कोविड 19 से निपटने के सरकार के प्रयासों में मदद के लिए ईविन इंडिया राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आपूर्ति प्रणाली की निगरानी में मदद कर रहा है। अप्रैल से 8 राज्यों त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र ईविन प्रणाली का कोविड 19 से संबंधित सामग्री की सप्लाई पर नजर रखने के लिए कर रहे हैं। इससे 81 आवश्यक दवाओं और उपकरणों की कमी होने पर अलर्ट जारी कर उपलब्धता सुनिश्चित करने में भी मदद मिलती है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कहा है कि अस्पताल में भर्ती कोविड रोगियों को स्मार्टफोन और टैबलेट साथ रखने की अनुमति दी जाए।
स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक डॉ राजीव गर्ग ने राज्य सरकारों को इस आशय का पत्र लिखा है। अब कोविड रोगी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने परिवार और दोस्तों से बातचीत कर सकेंगे। इससे उन्हें मानसिक दबाव से उबरने में मदद मिलेगी। हालांकि अस्पताल वार्ड में मोबाइल फोन की अनुमति पहले से ही है, लेकिन कुछ रोगियों के परिजनों ने सरकार को लिखा था कि अस्पताल प्रशासन रोगियों को मोबाइल फोन की अनुमति नहीं दे रहा है। कर्नाटक के राज्यपाल वजूभाई वाला और उनके कार्यालय के कर्मचारियों की कोरोना वायरस जांच की गई, जिसमें उनके संक्रमित होने की पुष्टि नहीं हुई। कल मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के इस महामारी से संक्रमित होने की पुष्टि के बाद राज्यपाल और उनके कार्यालय के कर्मचारियों की जांच कराई गई। मुख्यमंत्री ने 31 जुलाई को राज्यपाल से मुलाकात की थी। अस्पताल में भर्ती होने के बाद मुख्यमंत्री ने जनता को संदेश में कहा था कि डॉक्टरों ने उन्हें जल्द स्वस्थ होने का भरोसा दिलाया है। अस्पताल के बुलेटिन में कहा गया है कि मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है और उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। उप मुख्यमंत्री डॉ सीएन अश्वथ नारायण ने भी आज कोरोना महामारी के संक्रमण का पता लगाने के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया, जिसमें रिपोर्ट निगेटिव आई है। मेडिकल शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने बताया है कि राज्य में रिकवरी रेट में 5.67% का सुधार आया है। बेंगलुरु में ये सुधार 9.17% था। आज राज्य में रिकवरी रेट 44.78% है। 4752 नए कोविड प्रकरण दाखिल हुए हैं और 98 लोगों की मृत्यु हुई है। आज 4776 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। अभी राज्य में 74,759 एक्टिव केसेस हैं और 65,500 डिस्चार्ज आज हुए हैं। राज्य ने आज 27,989 टेस्ट किए। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। केरल में कई दिन बाद आज कोविड 19 के एक दिन में मिलने वाले मामले 1,000 से कम रहे। राज्य सरकार ने आज संक्रमण के 962 नए मामलों की पुष्टि की। नागालैंड में 194 लोगों में संक्रमण की पुष्टि के साथ कोविड मरीजों की संख्या 2,000 से ज्यादा हो गई है। एक दिन में संक्रमित लोगों की ये सबसे बड़ी संख्या है। राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री एस पांगनेओ फोम ने कहा कि आज 845 नमूनों की जांच की गई। उन्होंने कहा कि कोविड मरीजों के संपर्क में आए लोगों की पहचान की प्रक्रिया चल रही है। राज्य में 648 रोगी ठीक हो चुके हैं, जबकि 1473 का इलाज चल रहा है। कोविड संक्रमण से राज्य में अब तक 4 लोगों की मृत्यु हुई है। त्रिपुरा में अगरतला के सरकारी मेडिकल कॉलेज में कल 3 और लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो जाने से राज्य में इस महामारी से मृतकों की संख्या बढ़कर 27 हो गई है। इस बीच कोविड के 141 नए मामले सामने आए हैं, जिसके साथ ही संक्रमित लोगों की कुल संख्या राज्य में 5,387 हो गई है। इनमें से 1,739 सक्रिय मामले हैं। राज्य में अब तक 3,605 लोग कोविड के संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। प्रति 10 लाख आबादी पर राज्य में 44,265 लोगों की जांच हो रही है। स्वस्थ होने की दर 68.89% और मृत्यु दर 0.50 हो गई है। असम में सुरक्षा बलों ने प्लाज्मा दान करने की इच्छा व्यक्त की है। स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने आज गुवाहाटी में सुरक्षा से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि सेना और केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान रक्त प्लाज्मा दान के अभियान से जुड़ रहे हैं। अब तक राज्य में 115 मरीजों को प्लाज्मा चढ़ाया जा चुका है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने आज इम्फाल में 300 बिस्तरों वाले एक कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि राज्य में स्थानीय स्तर पर कोविड संक्रमण फैलने के सबूत मिले हैं, लेकिन सामुदायिक संक्रमण का कोई मामला नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद संक्रमण को रोकना जरूरी है और इसके लिए लोगों में जागरूकता लाना आवश्यक है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की राय श्रृंखला में कोविड 19 महामारी के बारे में वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित करता है। आकाशवाणी से बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान एम्स के मनोरोग चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर नंद कुमार ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए घरों में परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने तथा योगाभ्यास की सलाह दी। We are going to overcome this crisis within a few weeks. Stay at home, spend time with the family,
डू हाउस होल्ड वर्क, एक्सरसाइज, लिसन टू म्यूजिक, सिंग विद द फैमिली, डू योगा, मेडिटेशन एंड टेक केयर ऑफ इमोशनल नीड ऑफ द फैमिली। दिल्ली के गोविंद वल्लभ पंत अस्पताल के डॉक्टर संजय पांडे ने मास्क के महत्व पर बारे में बताते हुए कहा कि घर से बाहर जाते समय मास्क लगाकर ही निकलें। मास्क की जरूरत उन इंसानों को है जिनको हेल्थ सेक्टर में अगर वो काम कर रहे हैं या उनका डायरेक्ट किसी कोरोना के मरीज के इलाज में या उनके क्वारंटाइन में उनकी भूमिका है। लेकिन अगर आप घर में रह रहे हैं और आपको किसी भी तरह की तकलीफ नहीं है या कोई फ्लू के लक्षण नहीं है तो आपको मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड 19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम रात 9:30 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में वृद्धावस्था विज्ञान विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ प्रसून चटर्जी चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में हमारे टेलीफोन नंबर 1800-11-5767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। श्रोता 011-233-14444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के साथ फोन पर बातचीत की। शांतिपूर्ण, समृद्ध और समावेशी अफगानिस्तान के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत ने अब तक 2 करोड़ से अधिक नमूनों की कोविड जांच करने की उपलब्धि हासिल की। मृत्यु दर घटकर 2.11% हुई। बिहार में बाढ़ग्रस्त 14 जिलों में राहत और बचाव कार्य जोर शोर से जारी। देश में आज रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है और आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता इस वर्ष 19 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात में खेली जाएगी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पुलवामा जिले के पंपोर इलाके की केसर बेहतरीन किस्म की मानी जाती है। हाल में केंद्र सरकार ने कश्मीर घाटी में उगाई जाने वाली केसर के लिए जीआई यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया है। उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहा है कि यह कश्मीर घाटी में उगने वाली केसर को प्रमाण पत्र के साथ विश्व मानचित्र पर लाने की दिशा में पहला प्रमुख कदम है। जीआई टैग मिल जाने के बाद निर्यात बाजार में कश्मीर की केसर का महत्व बढ़ जाएगा और इससे किसान अपनी उपज के लिए बेहतर दाम भी हासिल कर सकेंगे। इसी महीने अत्याधुनिक मसाला पार्क का कार्य पूरा होने और इसके उद्घाटन से कश्मीर में केसर उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आने की संभावना है। जीआई प्रमाण पत्र से किसी खास क्षेत्र में पैदा होने वाली खास वस्तुओं को विशेष पहचान मिलती है। ये प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेने के बाद उस नाम का इस्तेमाल कोई और नहीं कर सकता। भौगोलिक संकेतक प्रमाण पत्र मिलने से कश्मीरी केसर में मिलावट नहीं की जा सकेगी और खरीदारों को प्रामाणिक केसर तथा किसानों को बेहतर दाम मिल सकेंगे। कश्मीर के कृषि निदेशक अल्ताफ एजाज अंद्रावी ने इस बारे में हमारे श्रीनगर संवाददाता को बताया। एक तो अपनी आइडेंटिटी हम मेंटेन कर पाएंगे, नंबर 2 दे विल बी हैविंग इट्स ओन प्रोमिनेंस इन द वर्ल्ड मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट, नंबर 3 फार्मर्स को बेटर प्राइस मिल जाएगा और एम्पावरमेंट उनको फाइनेंशियल इंक्लूसिव उनको मिल पाएगी, जो अल्टीमेटली हमें गवर्नमेंट की यही होगा कि अपने फार्मर को हम कैसे एम्पावर करेंगे और हम अपने फार्मर को कैसे बेनिफिट दिलाएंगे ताकि उनकी एक्सप्लॉयटेशन ना हो और डायरेक्ट बेनिफिट चला जाए फार्मर को ही, जिससे उसकी खुद मुख्तारी आत्मनिर्भर जिसको हम कहते हैं हम उनको दे पाएं। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। नवंबर 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में सामाजिक आर्थिक संरचना को मजबूत करने और संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए 80,068 करोड़ रुपए की पुनर्निर्माण योजना की घोषणा की थी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जम्मू और कश्मीर के लोगों को सातों दिन 24 घंटे बिजली और पीने का पानी उपलब्ध कराने पर सरकार ध्यान केंद्रित कर रही है। कई परियोजनाएं जो वर्षों से लंबित थी अब पूरी हो गई है। आईआईटी जम्मू ने अपने स्वयं के परिसर से काम करना शुरू कर दिया है और एम्स जम्मू का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। 220 किलोवाट श्रीनगर अलस्टेंग द्रास करगिल लेह ट्रांसमिशन सिस्टम का काम पूरा किया गया। इसके साथ ही अब लद्दाख राष्ट्रीय ग्रिड से जुड़ गया है।
इसके अलावा जम्मू अखनूर रोड, चेनानी सुध महादेव रोड पर काम शुरू हो गया है और तेज गति से चल रहा है। वहीं 2022 तक कश्मीर रेल सेवा से जुड़ जाएगा। चिनाब नदी पर निर्माणाधीन विश्व का सबसे ऊंचा रेल सेतु का काम अगले वर्ष पूरा हो जाएगा। इस सेतु को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि यह अधिकतम 266 किलोमीटर प्रति घंटा हवा की गति सहन कर सकता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। जम्मू कश्मीर के उद्योग और वाणिज्य विभाग के सचिव मनोज द्विवेदी ने आकाशवाणी के साथ विशेष साक्षात्कार में बताया कि केंद्र शासित प्रदेश में अगले कुछ वर्षों में 10 से 15 हजार करोड़ रुपए की निवेश की संभावना है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में बागवानी विकास गतिविधियों के केंद्र में आ गई है। अब क्षेत्र की प्रमुख बागवानी फसल खुबानी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे खुबानी के किसान बहुत उत्साहित हैं। लद्दाख प्रशासन ने खुबानी के उत्पादन, विपणन और इसके लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग तथा वित्तीय आवश्यकताओं के बारे में सुझावों के लिए विभिन्न अनुसंधान संस्थानों और विभागों के विशेषज्ञों की समिति बनाई थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समिति ने लद्दाख क्षेत्र में खुबानी की खेती में सुधार के बारे में रिपोर्ट सौंप दी है। लद्दाख प्रशासन ने खुबानी के किसानों की आय बढ़ाने के लिए विशेषज्ञों की समिति की सिफारिशों पर काम करना शुरू कर दिया है। इस वित्त वर्ष में खुबानी को प्रोत्साहन देने के लिए दो प्रदर्शनी लगाई जाएंगी। खुबानी की कई किस्म और प्रजातियां हैं। लद्दाख में खुबानी की विश्व स्तरीय प्रजाति रक्से कॉर्पो की खेती होती है, जिसे दुनिया में सबसे मीठी किस्म माना जाता है। लद्दाख के अलावा खुबानी की खेती हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में होती है। विशेषज्ञ समिति के सदस्य और लेह के मुख्य बागवानी अधिकारी सेवांग ने बताया कि समिति लद्दाख में खुबानी की खेती कर रहे किसानों को समृद्ध बनाने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने मन की बात प्रोग्राम में यूटी लद्दाख की खुबानी का जिक्र किया था। एडमिनिस्ट्रेशन यूटी लद्दाख ने खुबानी को बढ़ावा देने और रिपोर्ट बनाने के लिए एक कमेटी तश्कील किया। न्यू एसेट्स क्रिएशन के मामले में यूटी लद्दाख में 3 ट्रेनिंग सेंटर, 1 ससपोल और 2 नुब्रा के सुमूर और तेरसे में काम शुरू किया गया है। प्रशासन के इस कदम से खुबानी के किसानों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। मेरा नाम तंजिन थंगजुक ऑर्गेनिक के नाम से लोग जानते हैं। मैं पिछले 10 साल से लद्दाख के एग्रीकोट को आगे बढ़ने के लिए बहुत से सेमिनार, बहुत से वर्कशॉप अपने गार्डन में मनाते आया, तो आज मैं बहुत खुश हूँ। लेह से यांगचा डोलमा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद चतुर्वेदी। बिहार में बाढ़ग्रस्त 14 जिलों में राहत और बचाव कार्य जोर शोर से जारी है। राज्य में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती और अधवारा समूह की नदियों में जलस्तर बढ़ने से कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। मुजफ्फरपुर में सकरा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत तिरहुत नहर के तटबंध में दरार आने से मोहम्मदपुर कोठी पंचायत क्षेत्र में जिले के मुरौल ब्लॉक के पिलुक गांव के निकटवर्ती अनेक गांवों में बाढ़ आ गई है। भीषण बाढ़ से 55 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। दरभंगा में सबसे बुरा असर पड़ा है, जहां 17 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। जालिम लोशन की ओर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। खुजली झटपट दूर करे जालिम लोशन। वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। ये आकाशवाणी है। भाई बहन के प्रेम का त्यौहार रक्षाबंधन आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बहन अपने भाइयों को राखी बांधती है और इस वर्ष भारतीय कंपनियों और स्व सहायता समूहों की राखी ने चीन की राखी उत्पादों का स्थान ले लिया है। आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद दुकानदारों तथा लोगों ने चीन की राखियों का पूरी तरह से बहिष्कार किया है। मैं इन दिनों देख रहा हूं कि कई लोग और संस्थाएं इस बार रक्षाबंधन को अलग तरीके से मनाने का अभियान चला रहे हैं। कई लोग इसे वोकल फॉर लोकल से भी जोड़ रहे हैं और बात भी सही है।
हमारे पर्व हमारे समाज के हमारे घर के पास ही किसी व्यक्ति का व्यापार बढ़े, उसका भी पर्व खुशहाल हो, तब पर्व का आनंद कुछ और ही हो जाता है। सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माता अमृता नंदनमयी और स्वर सामग्री लता मंगेशकर का आभार व्यक्त किया है, जिन्होंने श्री मोदी को रक्षाबंधन के अवसर पर शुभकामनाएं भेजी थीं। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की नारी शक्ति के आशीर्वाद से उन्हें शक्ति मिलती है। श्री मोदी ने कहा कि करोड़ों माताओं और बहनों की शुभकामनाओं से भारत नई ऊंचाइयां और नई सफलताएं हासिल करेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज नर्सिंग समुदाय के सदस्यों के साथ राष्ट्रपति भवन में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। राष्ट्रपति के साथ संक्षिप्त बातचीत के दौरान नर्सों ने राष्ट्रपति को राखियां भेंट की और कोविड-19 महामारी से निपटने के अनुभव भी इन्हें सुनाए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि देश की युवा पीढ़ी को भारत के तीज त्यौहारों के ऐतिहासिक महत्व के बारे में जागरूक बनाया जाना चाहिए। रक्षाबंधन के अवसर पर फेसबुक पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश के तीज त्यौहारों के बारे में बेहतर समझ युवाओं को इनमें निहित मूल्यों और नैतिक शिक्षा को ग्रहण करने के मदद करेगी। विश्व संस्कृत दिवस आज मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संस्कृत भाषा के संवर्धन और अध्ययन अध्यापन में लगे सभी लोगों को बधाई दी है। इस अवसर पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने देशवासियों को बधाई दी है। भारतीय सूचना सेवा के 1986 बैच के अधिकारी जयदीप भटनागर ने आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इसके पहले वे प्रसार भारती में पश्चिम एशिया संवाददाता और पत्र सूचना कार्यालय में विभिन्न पदों पर कार्य कर चुके हैं। श्री भटनागर ने पूर्व प्रधान महानिदेशक इरा जोशी का स्थान ग्रहण किया है, जो पिछले महीने की 31 तारीख को सेवानिवृत्त हो गईं। इस वर्ष का इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 19 सितंबर से 10 नवंबर तक संयुक्त अरब अमारात में खेला जाएगा। आईपीएल संचालन परिषद की कल रात वर्चुअल बैठक में यह फैसला लिया गया। भारत में कोविड की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए परिषद ने यह टूर्नामेंट भारत से बाहर कराने का फैसला किया। आईपीएल के मैच दुबई, शारजाह और अबुधाबी में खेले जाएंगे, लेकिन इससे पहले भारत सरकार की आवश्यक मंजूरी लेनी होगी। और अब एक नजर कल के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान लगभग 28 और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। उत्तर भारत में केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास जबकि अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। लद्दाख में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। गिलगित में तापमान 16 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं और गरज के साथ बौछारें या धूल भरी आंधी चल सकती है। मुजफ्फराबाद में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और एक या दो बार बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 22 और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के सिलसिले में 3 दिन तक चलने वाला विशेष भूमि पूजन आज गौरी गणेश पूजा के साथ शुरू हुआ। इसमें काशी और अयोध्या के पंडित विशेष पूजा कर रहे हैं। 3 दिन का यह कार्यक्रम बुधवार को प्रधानमंत्री द्वारा भूमि पूजन के साथ संपन्न होगा। विशेष पूजा के प्रारंभ होने के साथ ही अयोध्या के विभिन्न मंदिरों और कई घरों में श्रद्धालुओं द्वारा भजन कीर्तन और रामचरितमानस का पाठ भी शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से कल और परसों दीपोत्सव मनाने की अपील की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के साथ फोन पर बातचीत की। शांतिपूर्ण, समृद्ध और समावेशी अफगानिस्तान के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत ने अब तक 2 करोड़ से अधिक नमूनों की कोविड जांच करने की उपलब्धि हासिल की। मृत्युदर घटकर 2.11% हुई। बिहार में बाढ़ग्रस्त 14 जिलों में राहत और बचाव कार्य जोर शोर से जारी। देश में आज रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है। और आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता इस वर्ष 19 सितंबर से
संयुक्त अरब अमारात में खेली जाएगी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।